मुरैना जिले के चोरा विधानसभा के केलारस के प्रसिद्ध मंदिर बड़खड़ी हनुमान मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी की एक विशाल मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें जिले भर के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं, जिसमें चोरा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई है। चर्चा में चोरा विधानसभा के पूर्व विधायक सूबेदार सिंह रजौदा का विरोध को लेकर हुई है, जिसमें शैलेंद्र सिंह शिकरवार ने कहा है कि सूबेदार सिंह रजौदा को अगर पार्टी ने टिकट दिया तो हम पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नागेंद्र तिवारी ने कहा कि उनके कार्यकाल में कोई भी कार्यकर्ता घुस नहीं है, सूबेदार सिंह के अलावा पार्टी किसी को भी टिकट दे दे हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे, पर अगर सूबेदार सिंह के टिकट का हम विरोध करते हैं। वहीं इस बैठक में 500 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद भी रहे हैं। करीब 500 लोगों के करीब है। हमने कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है इस प्रत्याशी को चेंज करने के बारे में, हम जो साफ कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि भाई जो भी पार्टी निर्णय कर दे हम सब लोग को सहमत रहना है, वरना एक नहीं मान रहे कार्यकर्ता तो भाई जो कार्यकर्ताओं में आक्रोश है इस पर विचार तो करना पड़ेगा। और इस बात को मैं भी रखूंगा कि वास्तव में जोरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में विरोध है और वो ये कह रहे हैं केवल इस प्रत्याशी को हटा के चाहे किसी को भी सूबेदार सिंह सिकरवार को हटा के नहीं। मैंने कि भाई सूबेदार सिंह सिकरवार ने क्या किया है कि उन्होंने हम लोगों पर झूठे केस लगवाए हैं और यहाँ पर अपने मनमानी चलाया, संगठन को एक तरह से किटलिप कर लिया गया है, इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बनाई है संगठन को, ये हम पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये के कार्यकर्ताओं को ये बात चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है और यहाँ पर जिस तरीके से प्रशासन को उसने अतिक्रमण कर लिया है उसके बगैर प्रशासन यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा है, ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पर कोई कह रहा है कार्यकर्ता कि हम पर लूट कायम हुई है, किसी पर अपहरण कायम हुआ है, किसी पर 11-13 लगी है, इस तरह हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होगी ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। हम सूबेदार के साथ नहीं है, अगर इसको टिकट चेंज नहीं करेगी पार्टी तो हम किसी का साथ, इस बात को हम रखेंगे ऊपर इसकी बात करेंगे। 30 साल का उनका राजनीतिक जीवन एक इस तरीके से आधारित है कि हर पंचायत में उन्होंने अपना व्यक्ति खड़ा किया, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति वो प्रतिद्वंदता रखते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी के किसी व्यक्ति को पार्टी की गाइडलाइन के तहत उन्होंने कोई काम नहीं किया। यही सबसे बड़ी लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है और फिर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो विचार के लिए प्रसार के लिए काम करता है। आज हम विचार और प्रसार के लिए काम नहीं करेंगे, हमारे संगठन से अगर सामंजस्य नहीं होगा तो चीन जैसी शक्तियाँ आज हमारे सामने नतमस्तक है वो पार्टी के विचारधारा की वजह से। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता वो विचार से जुड़ा हुआ है, वो विचार से नहीं जुड़े हुए हैं, यही लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। वो अपनी लिमिटेड कंपनी बनाए बैठे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता कैसे खड़ा किया, कैसे चौरा विधानसभा निकाली है ये पार्टी का कार्यकर्ता जानता है। उन्होंने पूरा संगठन ध्वस्त कर दिया, यही लड़ाई और कोई लड़ाई नहीं। पार्टी के जो कार्यकर्ता है, यहाँ जनपद अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष भी, पूर्व जिला अध्यक्ष और भी, यहाँ तकरीबन 400-500 कार्यकर्ता मजे हुए आए हुए हैं। वास्तविक ये है कि उनकी अनदेखी की जा रही है और वो व्यक्तिगत विद्वेष भावना करके और उनके प्रति इस तरह के जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उससे यहाँ पर असंतोष है। बाकी कार्यकर्ता पूरा अपना तन मन धन से कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें परिवर्तन आवश्यक है। और वैसे अभी किसी का कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, यह संगठन तय करेगा और यह संगठन ठीक से तय करता है तो पूरे कार्यकर्ता तन मन धन से कार्य करने के लिए तैयार है। मोरेना से गौरव गोड की रिपोर्ट।